हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास 2 HP का मोटर है, सिंगल फेस, जो क्लासकर कंपनी का है। ये पूरी तरह से जल गई है, तो आज हम इसकी फुल रिवाइंडिंग करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से चारों नट को पहले खोल लेते हैं। हमने इसको ओपन कर लिया। ये देखिए, इसके सभी कॉइल जल गए हैं। और अब हम इसका कनेक्शन और कॉइल पिच देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा रनिंग का है, रनिंग डबल है हमारा, और ये स्टार्टिंग हमारा सिंगल है। और बाइंडिंग डाटा हम लिख लेते हैं। क्लासकर का 2 HP सिंगल फेस है, रनिंग कॉइल पिच। टर्न गेज और वेट, तो रनिंग कॉइल पिच है हमारा 6, 8, 10, 12 और हम इसको अब बाद में फिर और स्टार्टिंग कॉइल का पिच हमारा 6, 8, 10, 12 वो भी है। तो जो नए हैं वो इस तरह से बाइंडिंग कर सकते हैं। टर्न गेज और वेट हम बाद में लिखेंगे, बाकी हम इसके कॉइल को बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। अब हम इसको यहाँ से निकाल कर
इस तरह से निकाल कर हम इसकी काउंटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स अब हम इसका आउटर इनर और कोर साइज देख लेते हैं। तो इसका आउटर डाया है 14 सेंटीमीटर और इसका कोर साइज है 10 सेंटीमीटर और इसका इनर डाया है 7 सेंटीमीटर। चलिए अब हम इसमें पेपर लगा लेते हैं। आपको इसमें 7 नंबर पीवीसी पेपर यूज करना है। इस तरह फोल्ड करके हम लगा लेंगे। ये तो हमारा छोटा स्लॉट है, इसमें हमारा स्टार्टिंग का कॉइल आएगा। इसमें स्टार्टिंग का कॉइल आना चाहिए। तो फ्रेंड्स कॉइल हमने बना लिया है और इसका पिच है 6, 8, 10, 12। चार सेट में बना लिया है, 2 स्टार्टिंग का और 2 रनिंग का। तो सबसे पहले हम रनिंग कॉइल डालेंगे। रनिंग कॉइल का पिच है हमारा 6, 8, 10, 12 और टर्न है 14, 20, 26, 26। वायर गेज नंबर 19 डबल। और फ्रेंड्स स्टार्टिंग कॉइल का पिच हमारा 6, 8, 10, 12, टर्न है 14, 26, 38, 38, 19 नंबर गेज सिंगल। ये सिंगल तार रहेगा फ्रेंड्स और रनिंग का हमारा डबल रहेगा 19 नंबर डबल।